जनसभा हिंदू महासभा की मीटिंग थी, किस अवेजी मीटिंग बुलाई थी? आज हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो हिंदू महासभा का मीटिंग का यही था कि जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार के किए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं सभी प्रदेशवासियों से और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि उन बलात्कार करने वालों का तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए, और जो बड़ी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनके साथ अगर ऐसी घटना होती है उसकी निष्पक्ष जांच करवा के अगर वो जांच में पाए जाते हैं ठीक कि उन्होंने किया ऐसा तो उनको तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। अगर मामले गलत होते हैं तो बड़े उसके लिए क्या प्रावधान? उसके लिए भी अगर जो दोषी है उसको तुरंत कड़ी से सजा दे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो आदमी। तो हिंदू महासभा का मिशन क्या रहेगा आगे? हमारा मिशन एक तो सदस्य अभियान है, शुरुआत है हमारी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे हिंदू महासभा के, और दूसरा हम जल्द ही एक ब्लड कैंप लगाने जा रहे हैं। सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लें। तो एक और विषय देखने को मिला है कि हिंदू महासभा के वर्कर हैं आप हो, उन्होंने आह्वान कर रखा है कि किसी महिला है या छात्रा है आदमी को दिक्कत आती है, इसके बारे में रणजी बताना चाहूँगा मैं। मेरे सभी हांसी हड़का वासियों से मेरा निवेदन है कि हमारी टीम हांसी में रहती है, और सभी मेरी हांसी हड़के की माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि रात के समय कभी भी किसी भी टाइम आपको कभी भी कोई दिक्कत महसूस होती है, कोई साधन की दिक्कत है, कोई और दिक्कत है, अपने भाई अपने बेटे अजय सैनी हुए हमारे टीम के सिपाही के पास आप जब भी फ़ोन करोगे हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे सेवा में तैयार रहेगी। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको अब बता भी देता हूँ, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो 97283 28000, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप जब भी फ़ोन करोगे आपको सेवा बिल्कुल मौका मिलेगा, उसे तुरंत प्रभाव से आपके पास पहुँचेंगे और आपकी जो भी मदद हो सकेगी हम वो आपकी मदद करने का काम करेंगे। तो सर्वप्रथम आपने क्या निर्णय लिया? हम हिंदू महासभा की तरफ से, मैं संतोष डुल प्रदेश महासचिव, मैं हिंदू महासभा की तरफ से मांग करती हूँ कि आज हमारी देश प्रदेश में कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए आज 70 साल हो गए हैं आज़ादी को, तो मैं ये मांग करती हूँ कि हमारी महिलाओं को अच्छी सुरक्षा मिले और समय पे उनकी जो FIR दर्ज करवाती हैं उनमें थोड़ी ढील हो जाती हैं, तो उनकी समय पर FIR दर्ज हो जाए, कहीं महिलाएं जलाकर मार दी जाती है, कहीं फांसी देकर मार जाती है, तो हमारी महिलाएं आज 70 साल के बावजूद भी जमीन आसमान, जब तक महिलाएं हमारी अंतरिक्ष तक पहुंची है फिर भी सुरक्षित नहीं है, कमाल की बात है। तो हमें ये एक मानव योग बनाना पड़ेगा कि सभी को ये नहीं है अभी पुलिस की हम कहते हैं अभी किसी की कार्रवाई कोई कसूर है, सभी को चाहे वो माँ बाप है चाहे पब्लिक है सभी को अपने इस कानून को बनाना पड़ेगा और महिलाओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, महिलाएं खुद भी अपनी सुरक्षा करें। और जो दिल्ली में बैग फैक्ट्री में 50 के लगभग लोग मारे गए हैं, और हम हिंदू महासभा की तरफ से उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जो लोग ये अनाप शनाप बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं कि उनको मारना नहीं चाहिए था, उनको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, तो ये सब गलत है। एनकाउंटर से एक अच्छा संदेश गया है, और ऐसे ही बलात्कार होते रहे तो मैं तो ये कहूँगी जो ये निर्णय लिया गया है सरेआम उनको एनकाउंटर कर देना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।